आज के क्लास में हम मीन, मीडियन एंड मोड यानी कि माद माध्यिका और बहुलक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको हल करेंगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है प्रथम सिक्स सम संख्याओं का माद और माध्यिका ज्ञात करो यानी कि जो फर्स्ट सिक्स ए बी नंबर हैं उनका हमको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम जो सिक्स ई नंबर हैं और वो हमको ध्यान रखना है वो फर्स्ट सिक्स ई नंबर हैं कोई भी नंबर नहीं लेंगे हम फर्स्ट सिक्स ई नंबर लेंगे तो जो सबसे पहला ई नंबर है वो टू है फिर फोर होगा फिर सिक्स होगा फिर एट होगा फिर टेन होगा और ये ट्वेल्व होगा तो ये सिक्स ई नंबर हो गए और वो भी फर्स्ट प्रथम सिक्स ई नंबर हो गए अब इनका हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं या माद निकालने का एक फार्मूला होता है माद या मीन इक्वल टू होता है ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा इक्वल टू आंकड़ों का योग जितने भी आंकड़े होते हैं उनका योग करते हैं आंकड़ों बिंदी होगी का योग बटे यानी कि अपॉन इसको हम भाग करेंगे किससे आंकड़ों की संख्या से आंकड़ों की संख्या संख्या को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ऊपर नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो जितने भी ऑब्ज़र्वेशन हैं उनका सम करके ऊपर लिख लेते हैं और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन और प्लस ट्वेल्व इनको हम सम कर लेंगे तो ये सम कितना आएगा फोर्टी टू आएगा ठीक है अगर ये सीरीज़ लंबी है क्योंकि ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ़ सिर्फ सिक्स हैं इसलिए इजीली हमारे ऐड हो गए लेकिन ये सीरीज़ और आगे तक जाती मान लें हंड्रेड तक जाती तब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कैसे करते उसके लिए फार्मूला भी मैं यहीं बता देता हूँ अगर एन टर्म्स हैं तो उसके लिए फार्मूला है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी ये फार्मूला है सम का एन टर्म्स हैं तो उनके सम का ये फार्मूला हो जाएगा एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन क्या है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है कितने ऑब्जर्वेशन है ए क्या है फर्स्ट टर्म है जैसे इसमें फर्स्ट टर्म टू है तो ए की वैल्यू टू हो जाएगी और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं सिक्स हैं तो एन की वैल्यू सिक्स हो जाएगी और डी क्या होता है दो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो दो पास के नंबर होंगे उनके बीच का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन कितना होगा जैसे फोर माइनस टू कितना होगा टू होगा सिक्स माइनस फोर कितना होगा टू होगा और एट माइनस सिक्स कितना होगा टू होगा और ये डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा तो इससे हम जो सम करेंगे तो सम कितना आएगा बताइए सम कितना आएगा इसको हटा देते हैं फार्मूले को ऊपर लिखते हैं सम निकालते हैं इसका कितना सम आएगा फार्मूले से हम निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूला आपको समझना ज़रूरी है यहाँ तो सिक्स टर्म है तो आप सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं फोर्टी टू आ गया अब हम फार्मूले से ऐड करके देखते हैं फार्मूले से ऐड करते हैं एस एन यानी कि एन कितना है सिक्स है कितना होगा तो सिक्स अपॉन टू ब्रेकेट में टू इन टू ए क्या है फर्स्ट टर्म है जो पहली संख्या है तो पहली संख्या कितनी है टू है टू प्लस एन एन कितने ऑब्जर्वेशनस हैं तो सिक्स ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सिक्स इवन नंबर है तो नंबर कितना है सिक्स है तो सिक्स माइनस वन और जो दो किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा थ्री ब्रेकिट में फोर प्लस सिक्स माइनस वन कितना हुआ फाइव हुआ फाइव इंटू टू कितना हो गया टेन हो गया तो कितना आएगा थ्री इंटू फोरटीन तो कितना आया फोर्टी टू आया तो देखिए इससे आप बहुत जल्दी ऐड कर सकते हैं सीरीज़ कितनी भी बड़ी हो लेकिन इस फार्मूले से आप इजीली ऐड कर सकते हैं अगर संख्या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कम है तो आप सीधे सीधे उनका योग कर सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है तब ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा तो हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो आंकड़े हैं उनका योग आ गया 42 आ गया और आंकड़ों की संख्या कितनी है आंकड़ों की संख्या सिक्स है तो मीन या इनका माध कितना हो जाएगा माध इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए माद या मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा जो आंकड़ों का सम कितना है फोर्टी टू आया और आंकड़ों की संख्या कितनी है सिक्स है तो फोर्टी टू को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सेवन आ जाएगा यही इसका माध या मीन हो जाएगा सेवन अब माधका निकालेंगे मादका निकालने के लिए क्या करते हैं हम जितने भी ऑब्जर्वेशन या जो आंकड़े दिए होते हैं सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो मीडियन निकालने के लिए जो भी आंकड़े दिए हैं उनको सबसे पहले या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लिख लेते हैं आंकड़ों को क्योंकि हमारे पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो आरोही क्रम में लिखे हैं ये टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व अगर ये आरोही क्रम में नहीं होते तब सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट करते तो मीडियन अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आंकड़ों की संख्या कितनी है सिक्स है तो आंकड़ों की संख्या अगर सम होगी तब तब क्या होगा मीडियन आंकड़ों की संख्या इक्वल टू सम है सम जैसे यहाँ कितने आंकड़े सिक्स आंकड़े हैं कितने आंकड़े हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन्स कितना है सिक्स है तो सिक्स क्या हो गया एक ई बी नंबर हो गया तब मीडियन क्या होगा यानी कि माध्यिका क्या होगी इसको मीडियन ही इंग्लिश में लिख लेते हैं तो मीडियन हो जाएगा या माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू बा पद प्लस एन बाई टू प्लस वन बा पद ठीक है यहाँ पद लिख लेते हैं अपॉन टू ये फॉर्मूला हो जाएगा तो एन यहाँ कितना है सिक्स है तो एन बाई टू कितना हो जाएगा सिक्स अपॉन टू थ्री तो थ्री व ऑब्जर्वेशन तो थ्री इस लेफ्ट साइड से गिनेंगे फर्स्ट टू थ्री तो जो थ्री व ऑब्जरवेशन कितना हो गया सिक्स हो गया तो इक्वल टू सिक्स प्लस एन बाई टू एन बाई टू का मतलब थ्री और प्लस वन थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर्थ तो जो फोर बा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया वो एट हो गया तो सिक्स प्लस एट अपॉन टू तो फोर्टीन अपॉन टू तो कितना हो गया फोरटीन अपॉन टू इक्वल टू सेवन तो इसका जो मीडियन आया वो भी सेवन आया और मेन भी सेवन आया तो मेन और मीडियन दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए सेवन हो गया तो इसके आंसर क्या हो गए सेवन एंड सेवन आंसर हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है पहली दस विषम संख्याओं का माध्य और माध्यिका ज्ञात करो अब क्या करना है जो फर्स्ट टेन ऑड नंबर हैं उनका हमको मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करें? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो फर्स्ट टेन विषम संख्याएं हैं उनको लिख लेंगे तो सबसे पहली विषम संख्या वन है वन फिर थ्री फिर फाइव फिर सेवेन फिर एलेवन सॉरी सेवन के बाद नाइन आएगा नाइन फिर एलेवन फिर थर्टीन फिर फिफ्टीन फिर सेवेंटीन और फिर नाइनटीन ये फर्स्ट टेन विषम संख्याएं हो गई इनको कैलकुलेट अगर काउंट करेंगे तो ये टेन आएंगे तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इनका सम करेंगे क्या करेंगे इनका योग करेंगे तो यहाँ ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म ए होती है ए इक्वल टू वन हो गया एन कितना हो गया एन इक्वल टू टेन दिया है या इनको गिनेंगे तो ये दस ही आएगा और डी कितना हो गया डी मतलब कि भी दो संख्याओं के बीच का अंतर तो थ्री माइनस वन कितना 2 आया टू आया फाइव माइनस थ्री टू आ रहा सेवन माइनस फाइव टू आ रहा और ये इक्वल होना चाहिए अगर ये इक्वल नहीं होगा तो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये उस पर लागू नहीं होगा तो सम कितना हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी अब कैलकुलेट करेंगे एन कितना है टेन दिया है टेन अपॉन टू टू ए तो टू इंटू वन ए की वैल्यू वन है प्लस टेन माइनस वन और इंटू डी कितना है डी टू है ठीक अब इसको सिंपल करेंगे तो कितना आएगा ये हंड्रेड आ जाएगा तो सम कितना आ गया हंड्रेड आ गया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी है दस है तो माध या मीन कितना हो जाएगा लिख लेते हैं इसको दोबारा इसको डिलीट करके लिखते हैं तो माद इक्वल टू कितना हो जाएगा या मीन इक्वल टू सम कितना आया था हंड्रेड आया था और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे टेन थे तो माद कितना आ जाएगा टेन हो जाएगा तो टेन इसका माध का आंसर हो गया टेन अब हमको क्या करना है अब इसका मीडियन कैलकुलेट करना है अब इसका मीडियन कैलकुलेट करना है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए या माध्यिका कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन या आंकड़े दिए होते हैं इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी है दस है तो दस क्या है ई नंबर है तो जब ई नंबर होता आंकड़ों की संख्या तो उसका मीडियन या माधिका क्या होती है माधिका मैंने बताया था एन बाई टू व पद प्लस एन बाई टू प्लस वन व पद अपॉन टू तो मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ तो एन बाई टू व पद तो टेन अपॉन टू यानी कि फिफ्थ व पद तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या आएगा नाइन और सिक्सथ में क्या आएगा इलेवन अपॉन टू तो 11 प्लस नाइन अपॉन टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन टू इक्वल टू टेन तो इसका मीडियन भी टेन हो गया और मीन भी टेन आंसर हो गया अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और संख्या होती अगर जैसे नंबर ऑफ आंकड़ों की संख्या मान ले अगर ग्यारह होती तब उस केस में माध्यिका क्या होता तो सिर्फ एन बाई टू सॉरी एन प्लस वन बाई टू हो जाता मैं लिख देता हूँ यद आंकड़ों की संख्या विषम है आंकड़ों की संख्या विषम है तब कैसे निकालेंगे माध्यिका विषम है तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा लिख लो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू बाँ पद यानी कि एन में एक ऐड करेंगे मान लो ये इलेवन है तो इलेवन प्लस वन अपॉन टू बा पद तो इलेवन प्लस वन कितना होगा ट्वेल्व ट्वेल्व अपॉन टू यानी कि सिक्स बाँ पद यानी कि जो एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन टू बा टर्म होगा उस वही उसका क्या हो जाएगा माधिका हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये दिए हैं अब मैं इसमें मीन नहीं निकालूंगा सिर्फ मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मीन जो एवरेज वाला आपका पोर्सन आएगा उस एवरेज वाले में मैं और रिविज़न करा दूंगा अब ये मीडियन के हमें क्वेश्चन देखना है मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं जो भी नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन्स दिए होते हैं उसको सबसे पहले हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का हमको मीडियम निकालना है तो मीडियम निकालने के लिए क्या करेंगे इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो सबसे इस्मालेस्ट नंबर टू है टू को पहले लिखेंगे उसके बाद क्या है थ्री है थ्री को लिखेंगे फिर फाइव है फिर सेवन है फिर एट टू टाइम्स आया है एट को टू टाइम्स लिखेंगे उसके बाद क्या है टेन है और ट्वेल्व है तो कितने ऑब्जर्वेशन होगा गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हम काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कोई एक नंबर छूटा है उसको देखते हैं कौन सा नंबर छूटा है टेन ट्वेल्व टू थ्री फाइव हो गए टू थ्री फाइव हो गया सेवन हो गया एट टू टाइम्स हो गया सॉरी टू भी टू टाइम्स आ तो टू को पहले लिख लेते हैं अब ये हो गए हमारे नाइन ऑब्जर्वेशन हो गए कितने हो गए नाइन ऑब्जर्वेशन हो गए तो नाइन क्या है एक ऑड नंबर है तो इसका जो मीडियम होगा तो नाइन प्लस वन अपॉन टू वा पद होगा टू वा पद ठीक है तो नाइन प्लस वन नाइन प्लस वन अपॉन टू कौन सा हो गया नाइन और वन कितना हो गया टेन यानी कि फिफ्थ वा पद होगा तो फिफ्थ वहां पद कौन सा है वो तो बताइए इसमें फिफ्थ वहां पद इस वाले में जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें देखेंगे तो वन टू थ्री फोर और फाइव तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा सेविन हो जाएगा ठीक है तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा सेविन इसका आंसर हो जाएगा अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा आपका क्वेश्चन मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को या जो भी ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनको लिख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन्स की संख्या सम है या विषम है अगर सम होती है तो बीच के दो पद लेके उनको जोड़ के और दो से भाग कर देते हैं और विषम होती है तो जो बीच का नंबर होता है वही उसका मीडियन हो जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे नेक्स्ट सिलाइड में करते हैं एलेवन थर्टी फाइव सेवनटीन फिफ्टीन सिक्स एटीन एट ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी टू तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें सिक्स है तो सिक्स लिखेंगे सबसे पहले सिक्स सिक्स के बाद एट है तो सिक्स हो गया आप काटते रहिए नंबर ताकि गलती ना हो एट हो गया उसके बाद क्या आएगा इलेवन आएगा फिर सेवेंटीन आएगा एलेवन सेवेंटीन हो गया सॉरी सेवेंटीन से पहले फ़िफ्टीन आएगा तो पहले फ़िफ्टीन लिख लेते हैं फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद सेवनटीन आएगा सेवनटीन के बाद ट्वेंटी टू आएगा ट्वेंटी टू के बाद ट्वेंटी फोर आएगा और ट्वेंटी फ़ोर के बाद थर्टी फाइव आएगा नंबर को मैं इसलिए काटता रहा ताकि लिखने में कोई गलती ना हो जाए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया ईवन हो गए क्या हो गया ईवन हो गए तो उस केस में क्या होता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईवन होते हैं तो एन बाई टू व पद होता है प्लस एन बाई टू प्लस वन व पद इसको ब्रेकिड में कर देते हैं वन व पद और अपन टू से इसको भाग दे देते हैं तो एन बाई टू एन कितना हो गया आठ है कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एन की वैल्यू कितनी है एट तो एट अपॉन टू तो फोर वहाँ पद होगा फोर वहाँ पद यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन फिफ्थ पाँचवा पद ठीक है पाँचवा पद अपॉन टू तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है उसको देख लेते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है उसी से देखेंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन फिफ्टीन है और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है सेवनटीन है तो फिफ्टीन प्लस सेवनटीन अपॉन टू हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर फिफ्टीन प्लस सेवनटीन अपॉन टू कितना हो जाएगा इसको ऐड करेंगे यहाँ ऐड करके लिख लेते हैं सात पाँच बारह के दो दो और एक एक दो और एक, दो, और एक तीन थर्टी टू अपॉन टू तो कितना हो जाएगा इक्वल टू सिक्सटीन तो इसका मीडियन या माध्यिका कितना हो जाएगा सिक्सटीन हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो क्वेश्चन बचे हैं थर्ड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और है फोर्थ सॉरी एक फोर्थ क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वेश्चन है उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है इसको आप अपने आप कर लीजिएगा उससे अगला मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन है ये टेन पुरुषों की उम्र थर्टी टू फिफ्टी वन थर्टी एट सिक्सटी फोर ये दी है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे पुरुष की उम्र क्या होगी ये हमको बताना है तो सबसे बड़ा पुरुष यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा बिगेस्ट नंबर है सिक्सटी फोर है तो यही सबसे बड़े पुरुष की एज हो जाएगी और जब सबसे इस्मालेस्ट नंबर है क्या है बताइए सबसे इस्मालेस्ट नंबर थर्टी टू है तो जो सबसे छोटा पुरुष होगा उसकी उम्र कितनी हो जाएगी थर्टी टू हो जाएगी तो यही इसके आंसर हो जाएंगे सिक्सटी फोर और थर्टी टू तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी करना आना चाहिए किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसका जो लास्ट पोर्शन है उसमें परास या रेंज निकालने को आता है क्या आता है परास या रेंज तो कोई ऑब्जर्वेशंस या आंकड़े दिए होते हैं तो उसकी हम रेंज कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं तो इसमें हम प्रास या रेंज कैसे निकालेंगे तो रेंज जो होती है जो सबसे बिगेस्ट नंबर होता है सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है नाइन्टी वन है और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या है थर्टी फाइव है तो सबसे बिगेस्ट नंबर में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है क्या आंसर आएगा सिक्स और इधर कितना बचा एट एट माइनस थ्री फाइव फिफ्टी सिक्स तो जो भी आंसर आएगा वो उसका उन आंकड़ों का या उन ऑब्जर्वेशंस का परास या रेंज हो जाएगा तो इसकी रेंज कितनी हो गई फिफ्टी सिक्स हो गई तो सबसे इजी क्वेश्चन है रेंज निकालने का रेंज में हम कुछ भी नहीं करते हैं जो बिगेस्ट नंबर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है वो उन आंकड़ों की या ऑब्जर्वेशंस की परास या रेंज हो जाती है तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें